हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई, और फिर मैंने IVF करवाया जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई और मेरे दो बेटे हैं। उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम, हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं, क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं हमेशा आपको अपना जो मेरी सोच है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ही मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको छोटी सी एक ना स्टोरी बताती हूँ। जब मेरा फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, तो मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेरा हुआ और मैं बाहर आती हूँ, डॉक्टर के कैबिन में बैठती हूँ, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड पहले मेरी वेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर के पास एक ऑलरेडी एक पेशेंट खड़े हैं, तो वो उन्होंने चूड़ा वूड़ा पहना हुआ है लड़की ने, तो हस्बैंड वाइफ है दोनों ही। तो वो कहते हैं कि मैडम, ऐसे ऐसे मैंने चेक किया, मैं प्रेगनेंट हूँ और आगे क्या प्रोसेस है, मतलब नॉर्मली वो प्रेगनेंट, नेचुरल प्रेगनेंसी थी उसकी। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे करना बेटा, ऐसे तो कुछ नहीं, पहले मैं कल अल्ट्रासाउंड करूँगी, मैं देखूँगी कि कैसी है प्रेगनेंसी और फिर हम आके देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम, कल तो हमारी फ्लाइट है, हम गोवा जा रहे हैं। तो मैडम ऐसे लिखते लिखते उन्होंने कहा कोई गोवा नहीं जाना, सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दो। तो उन्होंने कहा मैडम नहीं, हम जा रहे हैं, हम तो कब से हमने बुक करवाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, बहुत टाइम पड़ा है घूमने के लिए, अभी ये 3 महीने पूरी रेस्ट करनी है। उन्होंने भी डॉक्टर की बात मान ली, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो लेके चले गए। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बोलूँगी कि उनका, मैंने आपको बताया, नेचुरल प्रेगनेंसी थी, नई नई शादी हुई थी, बात मान ली उन्होंने डॉक्टर की। मेरे जैसे लोग, आप जो मेरी वीडियोस देखते हो, हम पहले तो इतना कुछ झेल के IVF करवा रहे हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसके बाद हम एक 14-15 दिन की वेट नहीं कर पा रहे। और ऐसे कौन से फंक्शंस हैं, ऐसी कौन सी हमारी घूमने का जो है ना एक आप हम रह नहीं सकते, या तो फिर कोई ऐसा फंक्शन हो जो आपके बिना नहीं हो सकता। आपके सगे भाई की शादी, सगी बहन की शादी है, तो भी मैं कहूंगी कि आपके पेरेंट्स थोड़ा टाइम ले लें कि नहीं, हमारी बच्ची की अभी ऐसा टाइम चल रहा है, हम ये चीज नहीं करेंगे। समझ सकते हो ना ये बात? देखिए, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। आप इतनी सारी वीडियोस देखते हो, मेरे अलावा भी आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, और आप डॉक्टर्स की बहुत सारी वीडियोस, डॉक्टर्स की बहुत सारी वीडियोस देखते हो, साथ में आपको डॉक्टर से बात करते हो, तो कितनी सारी चीजें आपको गिनाई जाती हैं। आपको यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, यहाँ पे आपको अपनी दवाइयाँ इंजेक्शन टाइम पे लेने हैं, इस टाइम पे आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको पब्लिक टॉयलेट का यूज़ कम से कम करना है, आपको बेड रेस्ट नहीं लेकिन रेस्ट तो करनी ही है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप एक 14-15 दिन की रेस्ट नहीं कर सकते, है ना। ये देखो, ये थोड़ा आपको खुद समझने वाली चीज़ है यार। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो सुबह की दवाई थी, वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती थी और रात के 10 बजे तक दवाइयाँ चलती थी, और बीच में इंजेक्शन भी चलता था। अब मेरे मुझे एक इंजेक्शन लगता था, मुझे बहुत सारी अब लड़कियाँ जुड़ती हैं जो कहती हैं कि हमें ब्लड थिनर के इंजेक्शन भी लगते थे, जो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन था वो तो लगता ही था, साथ में ब्लड थिनर भी लगते थे। तो आप अगर ट्रेवल कर रहे हो तो कौन से टाइम पे आप देखियो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं होती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है। इस टाइम पे आप अपनी दवाइयाँ, आपको वजाइनल रखने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं, आपको इंजेक्शन मिले हुए हैं, वो आप कैसे मैनेज करोगे, वो चीज़ आप देखो। चाहे आप फ्लाइट में भी जा रहे हो, वो आप कैसे मैनेज करोगे, आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो टाइम होता है, मैं तो मतलब आपको ये कहूंगी नहीं कि आप
ट्रेन से चले जाओ, प्लेन से चले जाओ। मैं तो आपको सबसे पहले ही बोलूंगी कि आपका वो जो पूरा का पूरा दिन है उस टाइम की आप दवाइयों को कैसे मैनेज करोगे। हाँ, अगर आपका जो सफर है वो 2 घंटे का है या 3 घंटे का है, जिसके बीच आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो, फिर तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो कि नहीं, ये जो दिन है हम थोड़ा घूम के आते हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करके आते हैं, तो वो देखो यार, आप इतना दूर ट्रेवल करके कैसे जाओगे, समझ रहे हो ना। और वहां पे जाके बंदा घूमने जाता है तो अटपटा भी खाता है ना। और इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन की आपकी दवाइयां चल रही होती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा हिला होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपका स्टमक ही अपसेट हो सकता है किसी भी कारण, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है ना। तो ये सारे का सारा पंगा एक ट्रेवल के लिए। हाँ, आपको थोड़ा सा लोकल कहीं जाना है, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, आपको किसी आपको लोकल लोकल में कहीं आपको जाना है, जिसे आपको पता है कि आप चीज मैनेज कर लोगे, है ना, वो आप कर लो। लेकिन आप दूर का ट्रेवल, मैं कहती हूँ, अवॉइड कीजिए, है ना। अब देखिए, मेरे डॉक्टर ने ये तो बोल दिया था कि कोई बात नहीं, एक्टिवा है, आप उस पर इंजेक्शन लगवाने जा सकते हो, उन्होंने बोल दिया है। लेकिन मुझे बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है ना। अब मैं स्टेयर्स पे चढ़ती थी, एक बार जाती थी, एक बार आती थी, है ना। पूरे दिन में मैं एक बार नीचे, मेरी फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखाई दूंगी मैं कितनी स्टेयर्स हैं, उतना मैं नीचे आराम आराम से जाती थी, आराम आराम से आ जाती थी। लेकिन दिन में एक बार करती थी। अब ये नहीं है कि मैं पूरा दिन उतर रही हूँ चढ़ रही हूँ, मतलब कुछ भी ऐसे, मैं कपड़े नहीं धो रही थी, मैं नीचे बैठ के पोछे नहीं लगा रही थी, है ना, मैं आटा नहीं गूंद रही थी, ऐसे काम मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी। अब आप कहीं जा रहे हो, कहीं बाइक पे भी जाते हो या ऑटो पे भी जाते हो, रिक्शा में जाते हो, जैसे भी आप जाते हो, वहां पे आपको झटके वटके लग सकते हैं। इससे आपका एम्ब्रियो बाहर नहीं आएगा, ये मैं अभी भी कहती हूँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर बाहर, एम्ब्रियो बाहर नहीं आएगा। बट क्या पता आपने कंसीव कर लिया हो। अगर आपने कंसीव कर लिया है, फिर ये जो 3 महीने पहले होते हैं वो तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं रेस्ट करने के। अब IVF में और IUI में कई बार ऐसा होता है कि जैसे IVF में डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आपके ट्विन्स हैं, ट्विन्स में आपको बेड रेस्ट जरूरी, मैं तो कहती हूँ जरूरी है। मेरा क्या, मैंने और भी लड़कियों का देखा है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ यार कर लो रेस्ट, क्या ही जाएगा हमारा, है ना। हम रेस्ट कर लेते, हमारे लिए हमने इतनी दवाइयां कर खाई हैं, इतने पैसे खर्चे हैं, इतना अपने मेंटल हेल्थ हमारी हिल चुकी है, तो क्या हम रेस्ट नहीं कर सकते। टीवी लगा लो यार कमरे के आगे, जितनी मर्जी आप फिल्में देख लो, मैं कह रही हूँ यूट्यूब पे ही आजकल आप बहुत कुछ देख सकते हो, क्या दिक्कत क्या है। अब मैं सच्ची में आपको बोलती हूँ कि अब मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं है। अब दोनों बच्चे सोए हैं, मुझे है कि अब मैं वीडियो बना लूँ। 2 दिन हो गई मेरी वीडियो नहीं गई, मुझे बहुत सारे मतलब कॉमेंट आ रहे हैं। अब इनके पापा वो गए हुए हैं, आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो अब मुझे है कि मैंने रिप्लाई वगैरह भी नहीं किया इतना, है ना, कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं किया। मैं इतनी थी नहीं, ऑनलाइन भी मैं बहुत कम गई हूँ, मतलब ऑनलाइन तो मैं थी लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। तो अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता रेस्ट का इतना ज़्यादा। रात को भी मैं जागती रहती हूँ, कई बार 12 12 1 1 बजे तक भी जागती रहती हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो एक बंदा बच्चे से पहले जो रेस्ट करता है ना, मतलब जो हमारे पास खुला टाइम होता है वो नहीं होता। इस टाइम पे आपको टाइम मिल रहा है, आप रेस्ट कर लो। लास्ट में मैं फिर आपको यही बोलूंगी, इतना लंबा चौड़ा, देखिए अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, प्लेन में कर रहे हो, गाड़ी में कर रहे हो, बाइक पे कर रहे हो, इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत आने वाली है कि आप अपने इंजेक्शन और अपनी जो वजाइनल दवाइयां रखने वाली हैं वो कैसे मैनेज करोगे, है ना। अगर आप लोग ये चीजें मैनेज कर सकते हो तो जाओ घूमाओ, एक बहन की तरफ से कह लो या फिर जैसे भी आप मुझे लेते हो उसके अकॉर्डिंग, तो मैं यही कहूंगी कि मेरी बहनों रुक जाओ, कोई इतना जरूरी नहीं है ट्रेवल, अभी रुक जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ी देर, और उसके बाद सारी जिंदगी पड़ी है, जितना घूमना हुआ घूम लो। और मैरिज है किसी की, कोई बात नहीं, अगर वो आपके बिना हो सकती है तो आजकल तो यार ऑनलाइन इतना मतलब मैरिज आजकल दिखा देते हैं, तो वहां पे देख लो मत जाओ। मैं तो आपको यही बोलूंगी, अपना रेस्ट करो इस टाइम पे, अपनी अच्छी डाइट लो, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लो, और अपने एम्ब्रियो को अपने भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, हमने इतनी मेहनत की है, डॉक्टर ने मेहनत की है, पति ने मेहनत की है पैसे कमाने में, आपने शरीर इसमें अपना दिया है, अपनी मेंटल हेल्थ दी है इसमें, हे भगवान उसको तू थोड़ा हमारी इज्जत रख,
थोड़ा हमारा ध्यान कर और हमें प्रेग्नेंट कर दे, है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगी, इसमें आपको कुछ लंबा चौड़ा में बातें आपको नहीं बताने वाली थी। मेरा यही कंसर्न है कि नहीं, ट्रैवल मत करो। अगर आपका गुजारा होता है, लोकल कहीं करना है तो जा सकते हो, लंबा ट्रैवल आप मत करो, ठीक है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। मुझे पता है आप वीडियोस देखते हो, आपको वीडियोस अच्छी भी लगती हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, एंड बाय बाय।